आईपीएल 2021 में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। मुंबई में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। दिल्ली की टीम ने जहां पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी, वहीं राजस्थान को करीबी मुकाबले में पंजाब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। दोनों ही टीम के कप्तान युवा हैं और पहली बार आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो टीम में शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, हेट मेयर, मार्क स्टोनिस जैसे बल्लेबाज हैं। वहीं गेंदबाजी में अश्विन, क्रिस बोक्स, अमित मिश्रा और आबेस खान मौजूद हैं। हालांकि पिछले मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी बेहतर नहीं रही थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो टीम के कप्तान संजू सैमसन ने पिछले मैच में शानदार शतक जड़ा था। इसके अलावा टीम में जोस बटलर, क्रिस मॉरिस, लिविंगस्टोन, शिवम दुबे और रियान पराग जैसे अच्छे बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी का भार चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान और राहुल तेवतिया के कंधों पर होगा। दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच 22 मुकाबले खेले गए हैं। 11 मैच दिल्ली ने जीते हैं जबकि 11 मैच राजस्थान ने भी जीता है। पिछले 4 मुकाबले की बात करें तो 4 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं। संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो राजस्थान की टीम में जॉस बटलर, मनन बोहरा, संजू सैमसन, डेविड मिलर, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, मुस्तफिजुर रहमान और चेतन सकारिया को जगह दी जा सकती है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोनिस, सिमरन हेटमेयर, क्रिस बोक्स, रविचंद्रन अश्विन, टॉम कुरन, अमित मिश्रा और आबेस खान को प्लेइंग 11 में जगह दी जा सकती है। टीम के प्रमुख गेंदबाज कगिसो रबाडा भी टीम में वापस आ चुके हैं, ऐसे में उन्हें आज मौका दिया जा सकता है।